चलिए अब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में ना जी मेन्स और नीट वाले सेक्शन के लिए, तो इसका बेसिक इनका नॉमेनक्लेचर, बेसिसिटी, स्ट्रक्चर, लिंकेजेस और वो सारी चीजें अपन देख चुके हैं, है ना। अब IIT एडवांस्ड के हिसाब से क्या देखना है अपने को, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, है ना, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अलग से देखनी है। तो इसमें अपन शुरुआत कर रहे हैं इससे, H3PO2 क्या कहलाता है, हाई फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, किस टाइप से आता है नॉमेनक्लेचर समझ चुके हैं अपन। अब कौन सी चीजें इसमें क्या करवा रहे हैं अपन, फॉस्फोरस का वही ना फॉस्फिन बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज किया था अपन ने, द सेम रिएक्शन की व्हाइट फॉस्फोरस का हम क्या करवा लेंगे, BaOH होल्ड वाइज एक अल्कली के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉस्फिन साथ में H3PO2 इसका बेरियम सॉल्ट बन जाएगा। समझ आती बात ये, तो व्हाइट फॉस्फोरस का डिसप्रोपोर्शनेशन विद व्हाट दैट BaOH होल्ड वाइज, तो इससे फॉर्मेशन किसका हो गया, तो हमने बोला हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बेरियम सॉल्ट के साथ में डिस फॉस्फीन। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डाल देंगे किसको, H2SO4 को, तो H2SO4 क्या करेगा, H3PO2 को यहाँ से डिसप्लेस करके बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेट करवा लेता है। समझा गई बात ये, तो H3PO2 इसको बनाने का जो तरीका है सिंपल है कि व्हाइट फॉस्फोरस का क्या करवा लिया हमने, डिसप्रोपोर्शनेशन विद दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड, इससे फॉस्फीन बनी साथ में बेरियम सॉल्ट ऑफ H3PO2। इसके ऊपर अपन ने क्या कर लिया, तो हमने बोले यहाँ पर हमने H2SO4 को डालकर H3PO2 को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करवा लिया। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो H3PO2 क्या रहेगा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 26.3 है। नहीं, हमने एक स्पेसिफिक पर्पज से लिखा है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ आएगा ना आगे जो अपन दूसरे ऑक्सी एसिड्स देखेंगे। फिर क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सोल्यूबल होता है अच्छे से, वो क्या रहेगा, इसकी बेसिसिटी इज 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अमोनो बेसिक एसिड। समझ आ गई बात ये, है ना। अब कौन सी चीजें ये अपन ने पढ़ा ही था जनरल प्रॉपर्टीज में, कि ये जो फॉस्फोरस के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनको अपन गर्म करें तो ये हमेशा H3PO4+ फॉस्फीन इसमें डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। H3PO3 भी सेम रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो H3PO2 को हीट करने पर क्या मिला हमको, H3PO3+ फॉस्फीन। क्लियर ही है ना। इसका स्ट्रक्चर जनरल वाले में देख चुके थे अपन, क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, फॉस्फोरस पर दो हाइड्रोजन होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, दैट इज फॉर रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H3PO2। यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन है ये क्या रहेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इस वजह से इसको हमने क्या बोला था, दैट इज अमोनो बेसिक एसिड, है ना। स्ट्रक्चर को बीच में लाने की वजह क्या, कि अब अगली वाली जो प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं वो कौन से देखेंगे, इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर देखेंगे, है ना। तो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ गई बात ये, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से तो देख ही सकते थे कि +1 है तो कहाँ तक जाता है, +5 तक, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो क्या शो करेगा, दैट रिड्यूसिंग बिहेवियर। समझ आ गई बात ये, है ना। अब कौन सी चीज है इसमें, तुम बोलेंगे AgNO3, है ना, जैसे हैवी मेटल सॉल्ट से भी अपन लेते हैं तो ये हैवी मेटल सॉल्ट को किस में, मेटल में रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, दैट इज इनटू H3PO4, ठीक है। तो H3PO2 की जब हम AgNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो AgNO3 को इसने Ag में रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया किस में, H3PO4 में, साथ में क्या हो जाएगा, NO3 यहाँ पर क्या बन जाता है, दैट स्पेक्टेटर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, HNO3 का। जैसे जब आप HgCl2 लोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, दैट इज इनटू Hg, साथ में क्या बना, H3PO4 एंड HCl। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे कि क्लोरीन को और आयोडीन को किसमें रिड्यूस कर देता है, दैट इज इनटू Cl- और I-, खुद वापस से ऑक्सीडाइज किसमें होगा, दैट इज इनटू H3PO4, है ना। तो H3PO2 ने क्लोरीन या इसकी जगह आयोडीन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ HCl या ऐसा है और इधर क्या बन जाता है, दिस H3PO4। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर कॉपर सल्फेट के साथ यदि हम इसके रिएक्शन करवाते हैं तो इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, दैट इज इनटू Cu2H2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ साथ में क्या बन जाएगा, फिर से H3PO4 बन जाता है, एंड दैट H2SO4 क्योंकि कॉपर सल्फेट हमने लिया था उसका करस्पॉन्डिंग एसिड इधर बन जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो यहाँ पर भी कॉपर +2 को इसने +1 में रिड्यूस किया,
खुद ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, दैट इज इनटू H3PO4 ओनली। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना? स्ट्रक्चर इसका बताई दिया मैंने आपको, है ना? अब अगले सेक्शन में अपन देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला ऑक्सी एसिड, दैट इज H3PO3।